हेलो जी, कैसे आप सभी। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो देखिए, आज मैं बना रही हूँ स्वीट कॉर्न। तो मैंने ना इसको बॉईल कर लिया है। पहले इसमें थोड़ा सा कैरेट डालकर तो इसमें स्वीट कॉर्न के लिए मैंने थोड़ा सा चाट मसाला है, देखो ये वाला, तो बहुत अच्छा रहता है ये चाट मसाला। और इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च। और मेरा ये फ्रिज वाला बटर नहीं है, बट ऐसा ही है, तो ये जमा हुआ है, इसको ज़रूर डालें क्योंकि इससे ही टेस्ट आएगा इसमें। अरे छूट भी नहीं रहा इस पर से। और ध्यान रखना कि स्वीट कॉर्न थोड़ा गर्म हो तभी, अगर वरना ठंडा होगा ना तो अच्छा नहीं रहेगा। और इसको मैं फिलहाल मिक्स कर लेती हूँ। आज अपने चैनल पर मैं ये नई रेसिपी लेकर आई हूँ, तो पूरी वीडियो देखें इसकी। और देखिए ये बन के तैयार हो गया। आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो बड़ा आसान है स्वीट कॉर्न बनाना, बहुत ही अच्छा। इसको अलग अलग तरीका से बना सकते हैं, मसाले वाला भी और चटपटा भी, तीखा भी और नमक वाला भी। तो मैंने अपने स्वाद अनुसार बनाया है और आप चाहे जैसा खाए ऐसा बना सकते हैं। पहले इनको बॉईल करना पड़ता है 4 से 5 मिनट के लिए कढ़ाई में या किसी भी चीज़ बर्तन में। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक है, मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ में। बाय बाय।